हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस लर्निंग सेशन। गुड मॉर्निंग, वी आर फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। टू आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मीन्स होता क्या है? प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुण। आज हम एडिशन के गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे उसके रूल है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या ये बता रहा है? व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर, जब हम जीरो को किसी नंबर से ऐड करते हैं, क्या लिखा हुआ? मीन जीरो इज एडेड टू अ नंबर, जब हम जीरो को नंबर से ऐड करते हैं, आगे क्या हुआ? द सम इज द नंबर इटसेल्फ, और जो नंबर रहता है वो खुद रहता है। सपोज कर लो, अगर हम जीरो से मान लो वन प्लस जीरो ऐड कर रहे हैं, तो वन प्लस जीरो क्या होगा? वन होगा। जो जिस नंबर से हम ऐड करेंगे वही नंबर होगा, ठीक है? क्या होगा अगर हम वन में जीरो ऐड? यस वन। यहाँ पे अगर मैं टू प्लस जीरो ऐड करूंगा तो कितना होगा? टू टू टू। अगर हम फाइव प्लस जीरो ऐड कर रहे तब कितना होगा? फाइव, ठीक है, सही है। चलिए आगे देखिए, एक्सरसाइज पे चलते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज बोले, आगे के स्टेप के पढ़ते हैं हम। आगे क्या है? व्हेन वन एडेड इज एडेड टू आर नंबर, व्हेन वन इज एडेड टू आर नंबर, जब हम किसी नंबर में एक को ऐड करते हैं, यानी वन को ऐड करेंगे किसी भी नंबर में, अगर हम वन ऐड करते हैं तो सम वो द सम इज द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, और वह सम क्या कहलाता है? सक्सेसर कहलाता है। यानी हम किसी भी नंबर में अगर वन ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सक्सेसर कहेंगे उसे। क्या बोलेंगे? सक्सेसर। सक्सेसर यानी सक्सेसर में क्या करते हैं? हम वन को ऐड करते हैं, ठीक है? ऐसे ही थर्ड स्टेप क्या है? इट चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अटेंडेंस डज नॉट चेंज द सम। क्या है? इट चेंज इन द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर में चेंजेस करते हैं, जैसे सपोज कर लो हम किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर से ऐड कर दे रहे हैं, मान लो फाइव को हम एट से ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों अटेंडेंस कहलाएगा ना? ये दोनों क्या बोले जाएंगे? एडिंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडिंस बोलेंगे। इन दोनों नंबर को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? एडिंस, ठीक है? इनको एड प्लस, इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलते हैं हम? सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम, ठीक है? जब हम किसी कोई भी नंबर हम जब हम ऐड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एडिंस बोलते हैं, ठीक है? और वो नंबर देखिए यहाँ पे, एडिंस डज नॉट चेंज द सम। एडिंस क्या करता है? सम को चेंज नहीं करता। उसको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी हम वही ऐड करेंगे। अगर मान लो एडिंस दिया गया है, सिक्स प्लस थ्री दिया गया है, ये एडिंस है, ठीक है? ये एडिंस है, इन्हें हमें ऐड करना है, ठीक है? तो इनको ऐड करने पे हम टेन नहीं ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने पे जो अमाउंट आएगा हम उसे को ऐड करेंगे। जैसे सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू नाइन, यहाँ पे भी ऐड करेंगे, प्लस नाइन ही तो आएगा। समझ में आ रहा सभी को? यस सर। चलिए आगे देखिए। यस सर। आगे एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें हमें क्या करना है?
यहाँ पे दिया गया है 121 प्लस 0 इक्वल टू हाउ मेनी। अगर हम 121 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा? सर 121। चलिए हम पूछते हैं सबसे, यहाँ पे मैं 216 में प्लस 0 ऐड कर रहा हूं तो कितना होगा अमाउंट परी, आप बताइए। परी परी, चलिए खुशी आप बताइए, परी की आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आप बताइए 216 में अगर हम 0 ऐड करते हैं कितना होगा? सर 216। 216। चलिए स्वाति आप बताइए, 316 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा? सर 370। 370। यस, क्या होगा? 370। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए हम एडेंट्स को ऐड करते हैं 95 प्लस 92, हम इनको ऐड करेंगे क्या होगा हमारा वैल्यू? क्या होगा इनको ऐड करने पे? अभिनव आप बताइए, अभिनव पटेल, अनुभव सॉरी, 187। यस राइट आंसर, कितना आएगा? 187। चलिए रिया भारती आप बताइए, रिया भारती आप बताइए, अगर हम कोई भी वैल्यू राइट कर रहे हैं, मान लो अगर हम 20 में हम 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा अमाउंट हमारा? सर 20। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 61 में 1 ऐड कर रहा हूं, किसके यहां से खटखट की आवाज आ रही है? कितना होगा? 62। चलिए आगे है 69 में हम अगर 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा अमाउंट? 80। कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। ठीक है, ऐसे ही हम आगे क्या है, मान लो दिया गया है कोई अमाउंट 125 प्लस 200, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? कितना होगा ऐड करने पे? 325। यस, कितना होगा? 325। समझ में आ रहा है सभी को ना? यस सर। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को भी करने हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चंस को भी करने हैं। चलिए एक और दिखाते हैं आपको, एक और तरीका है, मतलब एक और स्टेप है इसमें। यहाँ पे 130 प्लस डैश इक्वल टू 110 प्लस 40 ओनली, तो कितना है? हम यहाँ पे ये इस खाली ब्लैंक जगह पे हम क्या भरेंगे कि अमाउंट हमारा उसके इक्वल हो जाए? रमा आप बताइए, रमा रमा
चलिए हर्षित आप बताइए, रमा की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। आप बताइए कितना यहाँ पे फील करेंगे हम। कितना फील करेंगे सर? 150। यहाँ पे क्या फील करेंगे, यहाँ पे ये ऐड करने पे इसके इक्वल हो जाए। स्वाति आप बताइए। यस सर। आप बताइए। आप बताइए स्वाति। स्वाति चलिए आप बताइए। अभिनव आप बता दीजिए। सर मैं एयरटेल। यस बताइए सर। 20। यस क्या ऐड करेंगे? 20 ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 20 ऐड कर देंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, और इस साइड क्या होगा, 110 में 40 ऐड करेंगे तो इधर भी 150। तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा हुआ है ना, तो इक्वल का सिंबल क्या बताता है कि दोनों साइड बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, इक्वल का सिंबल क्या बताएगा, ये इसके इक्वल है, यानी 150 के इक्वल है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूं 25 + 45 = 30 + - हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं कि इसके इक्वल हो जाए। वेदांत आप बताइए। वेदांत वेदांत सभी को आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सभी को? सर 70 कैसे 70? यहाँ पे देखिए 25 + 45 है। 100। और इधर क्या दिया गया? 100 सर। 100 है। रॉन्ग है। कौन बताएगा? 910। कितना फिल करेंगे? कितना फिल करेंगे? 910। 910 कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 25 + 45 दिया गया है, उस साइड कितना दिया है इक्वल के 30 + - तो वहां पे जो डैश है उस डैश की जगह पे क्या फिल करे कि इसके इक्वल हो जाए दोनों। क्या फील करेंगे? चलिए आप बताइए स्वाति। आप बताइए। 50 नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर है। चलिए हम बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे 70। यहाँ पे देखो 70। नो रॉन्ग है। यहाँ पे देखो इसको और इसको पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसको इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना होगा, कोई बोल क्यों नहीं रहा? 70 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो केवल 30 दिया गया है ना, लेकिन इस साइड कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है। तो हम इधर कितना फिल कर दें कि ये इसके इक्वल हो जाए 70 के, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 25 को 30 में ऐड करके देखिए कितना आ रहा है।
कितना आएगा? 45 आएगा ना, लेकिन हमें लाना कितना, लाना कितना है हमें 70 लाना है। कितना लाना है? 70 लाना है। यहाँ पे कितना फिल कर दें कि ये 70 हो जाए, ये बताइए। देखिए यहाँ पे हम 40 फिल कर देंगे तो 40 + 30 = 70, ठीक है? चलिए अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताए। परी, परी यस सर, यहाँ पे हम क्या फील करेंगे कि ये इसके इक्वल होगा? परी यस सर, क्या फील करेंगे वहां पे? 4, 3 जल्दी से ऐड करके बताइए, जल्दी से। सर 200 कैसे? 20 रॉन्ग है सर, 20 रॉन्ग है, रॉन्ग है सर, 23 रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ऊपर वाले को बताया, जैसे ऊपर वाला देखिए 25 + 45 था, तो उसको ऐड करने पे कितना आया था? 70 आया था, ठीक है? 250 इसको ऐड करने पे सर मेटल 250 आ गया, ठीक है? हमें यहाँ पे क्या फील करेंगे हमें ये बताना है, ये बताइए यहाँ क्या फील करेंगे? 150 आएगा, 150 सर, 150 क्या फील करेंगे? 150 फील कर, 150 ठीक है। चलिए एक और देते हैं आप, फिर बताइए। अब बताइए क्या फील करेंगे इस टाइम? एक मिनट, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? क्या फील करेंगे यहाँ पे, क्या फील करेंगे? सर 20 20 क्या फील करेंगे? 20 यस राइट आंसर, क्या फील कर देंगे? 20। चलिए अब बताइए स्वाति, आप बताइए 100 + 40 = 40 + यहाँ क्या फील करेंगे? स्वाति आप बताइए क्या फील करेंगे? 140 कैसे फील करेंगे? देखिए यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे जिसको ऐड करने सर, 180 हो जाए ओनली 100, क्योंकि इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है? और इसको इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे भी 140 आना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तब बताइए इस बार हम नहीं बताएंगे, आप ही को बताना है। 20 + 80 =
40 प्लस डैश, इस डैश में क्या फिल करेंगे? क्या फिल करेंगे बताइए? यहाँ पे देखिए 20 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो गया? 100 हो गया। इक्वल टू उधर क्या लिखा हुआ है? 40 प्लस डैश, जहां पे डैश है क्या फिल कर दे कि ये 100 के इक्वल हो जाए। क्या फिल करेंगे? 100। क्या फिल करेंगे वेदांत? 100। रॉन्ग है, 100 तो 140 वहां पे रॉन्ग है। यस यस सॉरी 60। क्या फिल करेंगे? 60 फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे यहाँ पे? 60 फिल करेंगे। 60 प्लस 40 इक्वल टू 100, 80 प्लस 20 इक्वल टू 100, यानी 100 इक्वल टू 100। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक और है 30 प्लस 65। ठीक है, 30 प्लस 65 तो हम यहाँ पे 95 टोटल लिख दे रहे हैं प्लस डैश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बताइए उस डैश की जगह पे क्या फिल करेंगे हम? बताइए परी, आप बताइए। परी यहाँ पे देखो 30 प्लस 65 दिया गया है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो वहां पे इक्वल के उधर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या था? 30 प्लस 65 था। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख दें कि ये इसी के इक्वल ही रहे? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये इक्वल ही रहे इसके? क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो जीरो जीरो। हमें लग रहा आपको सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। फिर क्यों? यस सर। आंसर क्यों? सर आलोक मिश्रा को चलिए हम एक और पूछते हैं आपसे। यहाँ पे कितना आएगा? कौन आवाज कर रहा है? सर 100 100। ठीक है, सही है, आप सभी का सही है। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 220 प्लस 20 इक्वल टू हाउ मेनी? यहाँ पे कितने फिल करेंगे? 240। यस, क्या होगा? 240। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? कितना होगा? 765। आप सभी इसको कर लेंगे ना? अब ये सारे क्वेश्चन। यस सर। Yeah.
ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। हम कल क्या पढ़ेंगे? हम कल पढ़ेंगे एडिंग फोर डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। हम क्या पढ़ेंगे कल? एडिंग फोर डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग के साथ फोर डिजिट नंबर्स पढ़ेंगे। जैसे सपोज कर लो दिया गया है कोई नंबर, कोई नंबर मान लो दिया गया है, ठीक है, ऐड करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, 5 + 4 = कितना हो गया? 9. 4 + 5 = 9. 6 + 3 = 5 + 2 = 7. इसका सम कितना आया? 7999 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसे ऐड करना था, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग इज सिमिलर टू थ्री डिजिट एडिशन, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये फोर डिजिट नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है ये? फोर डिजिट। चलिए एक और फोर डिजिट यहाँ पे देखिए, ये कितने डिजिट के? सर फोर डिजिट, ये फोर डिजिट नंबर है ना, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना आएगा इनका सम? सम कितना आएगा इनका? 6801. थ्री डिजिट नंबर्स में क्या करते थे हम, सबसे फर्स्ट वन डिजिट को ऐड करते थे, उसके बाद टेंथ प्लेस को, उसके बाद 100 एंड लास्ट में 1000 प्लेस को ऐड करते थे। ऐसे ही हम फोर डिजिट नंबर्स में भी क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम वन प्लेस को ऐड करेंगे, ठीक है, आफ्टर दैट 10th प्लेस एंड उसके बाद 100 एंड लास्ट में किसे ऐड करेंगे? 1000 प्लेस को। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, यस सर। चलिए एक और लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे दिया गया है 95 एंड 65, इधर गया है 2334, ठीक है, इन्हें हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग किस प्लेस से करेंगे सर? वंस में 9 आएगा और टेंस में भी 9 आएगा सर। वंस पे 9 आएगा सर, टेंस पे 9 आएगा सर, 100 पे क्या आएगा सर? 100 पे 8 आएगा सर, 1000 पे 11। यस, इसका सम कितना आया? 11,899. चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यही पे ओवर करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।
गुड बाय सर। सर टेक केयर। थैंक यू।